गुजरा हो, वरना पहले वो मौका, मौका का बड़ा मशहूर इश्तिहार उन्होंने बनाया हुआ था, हम लोग भी उन्हें जवाब देते हैं। जब पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच होता है तो समझ लीजिए सब हालतें जंग में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि लड़ाई होने जा रही है, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। हालांकि अभी देखे सीमल, अभी 10 दिन बाकी है लेकिन अभी से हाइप बनना शुरू हो गई और मुझे लग रहा है कि जब मैच होगा तो उस दिन तो गलियां और सड़कें सब सुनसान होंगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जो इतना शोर मचा है ना कि जनाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें जैसा भी आपको वीडियो लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में इस टॉपिक के बारे में करते हैं कुछ बात। धन्यवाद दोस्तों। उनको हर हाल में ये मैच दोबारा जीतना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में जब ये मैच करीब आ रहा है, जैसे जैसे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, पाकिस्तान की साइड को देखकर दुनिया भर के जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये टीम ठीक तरीके से खेली तो पाकिस्तान के चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया की टीम में इख्तलाफात हैं, थोड़े मसाइल भी हैं, लेकिन वो एक बड़ी और तगड़ी टीम है। T20 के हवाले से पाकिस्तान एक मुनफरिद टीम है, पाकिस्तान का कम्बिनेशन बहुत बेहतर है और पाकिस्तान के पास 9वें नंबर तक बैटिंग लाइन मौजूद है। अगर ये बहुत तेज भी खेलते हैं या मुश्किल विकेट भी होती है तब भी पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर कर सकता है बैटिंग में। अगर तो बैटिंग विकेट हुई तो दोनों टीमों की जैसी बैटिंग है, दोनों तरफ के मिला के कुछ 400 तक स्कोर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बॉलिंग विकेट हुई तो फिर भी स्कोर लगभग 300 के करीब पहुंचने की तवक्को है, क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग बहुत मजबूत है और बड़ी तगड़ी बैटिंग है, खासतौर पर पाकिस्तान के ओपनर्स और इंडिया की जानिब से विराट कोहली, इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो लोग हैं जो ज़्यादा डिस्कस होते हैं, जबकि बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी है और ऑलराउंडर्स के डिपार्टमेंट में भी पाकिस्तान कुछ आगे है। फील्डिंग इंडिया बहुत अच्छी करता है पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी। अब ये तो है जी मैच की बात, मैच होगा तो फिर होगा ना। अब इंडिया के अंदर एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि बैन पाकिस्तान क्रिकेट, यह टॉप ट्रेंड इंडिया चला रहा है, दुनिया भर से लोगों को इसके अंदर शामिल कर रहा है। इंडियंस ये कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं ये मैच, वो आईसीसी को प्रेशर में ले रहे हैं और यह दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का यह मैच मनसूख कर दिया जाए और यह भारतीय मीडिया इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, भारतीय जनता भी। ऐसा लगता है कि उनको ये शक है कि इस मरतबा पाकिस्तान इंडिया को यह मैच हरा देगा और पाकिस्तान की दुश्मनी में वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मैच खेले ही ना। मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, हर दफा होता है लेकिन कभी जीत जाते हैं कभी नहीं जीतते, लेकिन जब भी जीतते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, हार जाते हैं तो फिर भी हमारी टीम है, क्रिकेट है, हम उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि वो जीत जाए तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हार जाए तो वो महीनों तक, सालों तक रोते रहते हैं। यानी जो शिकस्त उनको इसमें एशिया कप में पाकिस्तान ने दी थी, उस शिकस्त को लेकर इंडियंस कई महीनों तक रोते रहे और जब तक दोबारा उन्होंने पाकिस्तान से मैच जीत नहीं लिया तब तक उनके आंसू ही खुश्क नहीं हो रहे थे, बेड़ा गर्क हो गया था उनका, वो हार तस्लीम नहीं कर सकते। आपने इंडियन स्टेडियम्स में देखा होगा कि जब भी कभी इंडिया मैच हार रहा होता है वो स्टेडियम में आग लगा देते हैं, वो गालियां देते हैं, चीजें उठा के फेंकते हैं, कई दफा मैच मनसूख हुए इंडिया में, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। पाकिस्तानी क्राउड मैच देखता है और अगर मुखालिफ टीम जीत जाए तो पाकिस्तान उसको भी अप्रिशिएट करता है। ये क्रिकेट के रियल लवर्स हैं, ये क्रिकेट से प्यार करते हैं, खेल से प्यार करते हैं और खेल की इज्जत करते हैं, खिलाड़ियों की भी इज्जत करते हैं, मेहमानों का भी एहतराम करते हैं, लेकिन भारत ऐसा करता नहीं है। बांग्लादेश हो, कोई और मुल्क हो, कोई भी भारत में खेल रहा हो, भारत हार रहा हो तो भारत बिफर जाता है, गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बर्दाश्त करते हैं, जीत बहुत पसंद करते हैं, हार पे थोड़ा दुखी हो शर्जील कि उसको इस वक्त कौमी टीम में होना चाहिए था, क्योंकि वो लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले 6 ओवरों के अंदर वो एक बड़ा खतरनाक प्लेयर हो सकता था, या इंडियंस की जुबान में कहें तो घातक प्लेयर हो सकता था, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता इंडिया को, डैमेज करता उनकी टीम को, लेकिन वो मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये वो प्लेयर्स हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इंडियंस ने इन प्लेयर्स के बारे में पूरी तहकीकात की है,
उन्होंने इनके ऊपर पूरी रिसर्च की है, इनकी कमजोरियां, इनकी खूबियां और इनके प्लस पॉइंट्स, इनके स्ट्रांग एरियाज, इनके वीक एरियाज, वो डिस्कस करने के बाद इंडिया इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये एक बड़ा टफ मैच होने जा रहा है। इंडिया के लिए आसान नहीं होगा पाकिस्तान को इस मैच में हरा देना। बहुत मुमकिन है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाए, आखिरी बॉल्स तक जाए और एक बड़ा टफ मैच हो, जैसा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अक्सर होते रहते हैं। तो इस वक्त इंडियंस के सांस उखड़ी हुई है और प्रेशर सारा उनके ऊपर इसलिए है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि वो वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान को जीतने नहीं देते, तो वो ये चाहेंगे कि वो अपना रिकॉर्ड कायम रखें। पाकिस्तान को सिर्फ एक मैच जीतना है, इंडिया के ऊपर डबल प्रेशर है कि ना सिर्फ उनको मैच जीतना है बल्कि अपने एक बहुत पुराने रिकॉर्ड को कायम रखना है और कायम रखने के लिए हर हाल में पाकिस्तान को यह मैच हराना है। तो प्रेशर सारा इंडिया के ऊपर है। फिर आप विकेट की बात करें तो जो विकेट्स हैं वहां पे, वो विकेट्स हमेशा स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के पास चार चार ऑप्शंस मौजूद हैं स्पिनर्स की, ऐसे दो स्पिनर्स हैं जो पहले ओवर भी कर सकते हैं, पहले चार ओवर भी फेंक सकते हैं, तो यहां पे भी एक दिक्कत है। दूसरा, वहां क्राउड का मामला जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का क्राउड तकरीबन बराबर बराबर है और जो टिकट बिक रहे हैं उसमें पाकिस्तानी क्राउड और इंडियन क्राउड दोनों अब इफेक्टिव हो सकते हैं, वो दोनों जोरदार तरीके से अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो यहां भारत के लिए वो मार्जिन नहीं है जो भारत को बहुत सारे ग्राउंड्स के अंदर मिलता है। इस ग्राउंड के अंदर क्राउड भी इक्वल, इन्वायरमेंट भी इक्वल और ज्यादातर बैटिंग विकेट्स हैं, तेज विकेट्स हैं और उनके ऊपर भारत के बैट्समैन भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी। फर्क पड़ता है तो पड़ता है बॉलिंग में और वहां पाकिस्तान बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और हमारी टीम खेलती हुई आई है लगातार और अच्छा परफॉर्म करके आई है। दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान को फेवरेट बना रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुश्किल हरीफ होगा मुखालिफ टीमों के लिए इस टूर्नामेंट में। अब ये कंपेन ये बताती है और भारतीय मीडिया ये कहता है कि इस कंपेन की मौजूदगी में भारत पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत मुमकिन है कि ये मैच खतरे में पड़ जाए। लेकिन अगर भारत यह फैसला करता है, देखें आईसीसी तो यह फैसला कभी नहीं करेगा कि पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख कर दे, कर नहीं सकते। और यूएई में ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी नहीं है और कोई ऐसी चीज भी नहीं है। तो भारत ने अगर यह मैच कैंसिल किया तो उसको अपने पॉइंट्स जो उसको इस मैच को जीतने की सूरत में मिलने थे उनसे हाथ धोना पड़ेगा, और अगर वो मैच हार जाते हैं तो वैसे भी हाथ धोना पड़ेगा। अब ये भारत पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलता है या नहीं खेलता। इससे पहले भी भारतीय ये शरारतें करते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में या एशिया कप में। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप देख रहे थे पाकिस्तान के इस एंकर को। हालांकि ये पॉलिटिकल टॉपिक पर सोर्स करता है तो ये क्रिकेट का एंकर है नहीं। आपने देखा आप किसकी नॉन सीरियस जो कमेंट्स थे वो समझ के आप समझ सकते हो कि ये एक पॉलिटिकल एंकर है। तो दोस्तों ये जो अब टॉपिक है बैन पाकिस्तान क्रिकेट, बैन पाकिस्तानी टीम, ये रियली में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। ये पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है, इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा है। और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ, मैं बताना चाहता हूँ, टीवी नाइन भारतवर्ष एक चैनल है, भारत का न्यूज़ चैनल है, उसमें एक कैंपेनिंग चालू हुई थी जिसमें आपको पता है हाल ही में कश्मीर में कुछ अटैक हुए जिसमें भारत के 5 से 7 आई थिंक 7 सोल्जर मारे गए हैं और बहुत सारे नॉन मुस्लिम सिविलियन जो कि मान लो या तो कश्मीर के थे या कश्मीर के बाहर के थे वो भी मारे गए हैं। तो उसको लेकर ये मतलब उन्होंने चालू किया था। तो अब समझ सकते हो ट्वीट्स होने लगे, तो ये होता है भारत पाकिस्तान की क्रिकेट की सीरीज से पहले होता है। और कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसको लेकर आपको भी पता है कि दोनों देश में कितना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति माहौल है। तो ये एक है सच्चाई है। और दोस्तों अब आपको भी पता है कि भारत पाकिस्तान की जब क्रिकेट आती है तो शोएब अख्तर जैसे लोग जो साल भर भारत के खिलाफ, मतलब आपको पता है कश्मीर प्रीमियर लीग और ये और वो, मतलब अपने यूट्यूब चैनल में नहीं दूसरे चैनल में न्यूट्रल प्लेटफॉर्म में उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो भारत के आज तक में इंडिया टीवी में जुड़ गए और वहाँ पर जाकर सलाम क्रिकेट और ये सब हो रहा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों पैसा कमाने के लिए कोई किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ये टीवी नाइन भारतवर्ष की जो कैंपेन थी बैन पाकिस्तान क्रिकेट वो अभी तक ट्रेंड कर रही है। हालांकि अब क्या कर सकते हो, आपको भी पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। कश्मीर का मुद्दा
डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भारत में मतलब आप भी पता है आपको कश्मीर में क्या हालात हैं, कश्मीर में फिर से वही हालात हैं और हालात मतलब ख़राब कर दिए गए हैं और फिर से वही सिचुएशन है। रही बात मैच की, तो इस एंकर ने इस तरीके की पागलपंती भरी बातें की हैं जिसमें ये बोल रहा है कि भारत पर प्रेशर ज़्यादा है मैच जीतने का, ये और वो, हमारे स्पिनर अच्छे हैं और ये पूरी तरह से एक बैटिंग पिच होगी जहाँ पर इतने मतलब आप समझ सकते हो इसकी क्रिकेटिंग स्किल और क्रिकेटिंग नॉलेज। ये वही बंदा जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको, मेरी भी मतलब मैं कोई इंटरनेशनल लेवल पर खेला तो नहीं हूँ, बस जितना देखा है और लोकल में क्रिकेट खेला है वही है, तो इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। अब रही बात क्रिकेट की, तो दोस्तों आपको भी पता कि भारत पाकिस्तान का मैच डेफिनेटली पब्लिक और मतलब इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है कि उसका प्रेशर तो बन जाता है। और एक ये भी बात है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेलते नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे दूसरे मतलब जो दूसरी टीमों की अपेक्षा ये जो मैच है ये ज़्यादा प्रेशर वाला बन जाता है, क्योंकि हमारा उनके साथ 5 साल बाद T20 हो रहा है। अगर रेगुलर होते तो शायद इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट ना होता और पाकिस्तान बस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी तक गा रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमने हराया, ये हराया, वो हराया, तो वो वही पुरानी बातें रट लगाए हुए। दोस्तों आपको क्या लगता है भारत की टीम क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भारत को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, और ये भी बताएं कि ऋषभ पंत और ईशान किशन में से आपका कौन प्लेयर होगा जो भारत की टीम में खेलेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।